कैप्टन विक्रम बत्रा, नाम तो सुना ही होगा। मात्र 24 साल की उम्र में हिंद की सरहद की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराने वाले पहले सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा उर्फ शेर शाह। वो साल था सन 1974, जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक खत्री परिवार में जन्म हुआ। भारत की सेना के सबसे तगड़े योद्धा का, जिसका नाम रखा गया विक्रम। मात्र 24 साल की उम्र में वीर गति पाने वाले अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा ने बचपन में ही भारतीय सेना में जाने का पक्का मन बना लिया था। 8 साल का वो बच्चा 15 अगस्त और 26 जनवरी को फौजी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूली परेड में शामिल हो जाया करता। वो साल था सन 1995, जब विक्रम बत्रा सेना भर्ती की तैयारी करने के लिए चंडीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में एमए में एडमिशन लिया, ताकि वे संयुक्त रक्षा सेवा नामक एक सैनिक परीक्षा को पास कर सकें। मात्र 1 साल बाद विक्रम की रात दिन की कड़ी मेहनत सफल हुई। उन्होंने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। यहीं से साल 1996 में विक्रम के लिए नए जीवन की शुरुआत हुई। वे देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी IMA में शामिल हो गए। यहां अगले 19 महीनों तक उनको कठिन ट्रेनिंग दी गई। सेना द्वारा तय कर लिया गया था कि इस बटालियन को तैयार कर कश्मीर भेजना है, अतः उन्हें अन्य सैनिकों के मुकाबले ज्यादा कठिन ट्रेनिंग दी गई। हर उस तकलीफ और दर्द से उनको वाकिफ करवाया गया जो उन्हें आगे भोगना होगा, और इस तरह 6 दिसंबर सन 1997 को 19 महीनों की लगातार कठिन ट्रेनिंग के बाद विक्रम बत्रा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात कर दिए गए और उनको जम्मू कश्मीर में सेवाएं देने के लिए चुना गया। इस दिन उन्होंने अपने पिता को फोन कर कहा, पिताजी, मां ने मुझे अपने कंधों पर बैठाया है, मेरी कश्मीर में पोस्टिंग हुई है। जनवरी 1998 में विक्रम बत्रा अपने जीवन में पहली बार कश्मीर गए। उन दिनों कश्मीर घाटी खून से लथपथ थी, हर तरफ आतंक का साया था। गोलियों की आवाजों से सुबह होती और बम धमाकों से रात। खैर, कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में विक्रम बत्रा को पहली पोस्टिंग मिली। ये पूरा इलाका आतंक का गढ़ था। सोपोर में अपनी पोस्टिंग के दौरान बत्रा को सैनिक बटालियन के साथ जंगलों में भेजा गया, जहां उनकी आतंकवादियों से सीधी मुठभेड़ हुई। रात के घोर अंधेरे बर्फीले जंगलों में विक्रम पहली बार आतंक का सामना कर रहे थे कि तभी एक गोली आई, जो सीधे उनके कंधों से गुजरकर उनके पीछे खड़े एक सिपाही को जा लगी। इस घटना से विक्रम ने गंभीर होकर अपनी बटालियन को पूरे जंगल में फैला दिया। उस रात उन्होंने करीब 57 आतंकवादियों को मार डाला। एक 24 साल के लड़के ने सेना में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की अगुवाई में कश्मीर में बड़े आतंकी गिरोह को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके नेतृत्व में लगातार 12 आतंकी ठिकानों को तबाह कर भारतीय सेना ने कश्मीर में एक बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। विक्रम बत्रा अक्सर छुट्टियों में अपने घर आया करते थे और अपनी प्रेमिका डिंपल चीमा के साथ अपने होने वाले बच्चों और बुढ़ापे की बातें किया करते। साल 1999 में अंतिम बार विक्रम बत्रा होली के दिन अपने घर आए, तब उनके एक मित्र ने विक्रम से कहा, युद्ध के समय तुम आगे मत रहना। तब विक्रम ने कहा, मैं तो विजयी होकर कश्मीर की चोटी पर भारत का झंडा फहरा कर आऊंगा, या फिर उसे तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। 3 जून सन 1999 की सुबह लेफ्टिनेंट बत्रा को टीवी से खबर मिली कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर की घाटियों में घुस आई। साथ ही हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को स्थानीय लोगों ने अपने घरों में छुपा लिया है। इतना सुनकर विक्रम अपनी छुट्टियों को पूरा किए बगैर ही पुनः कश्मीर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपने माता पिता, दोस्तों और अपनी प्रेमिका से अंतिम बार मुलाकात की, साथ ही अपने खून से अपनी प्रेमिका की मांग भरी।
5 जून की सुबह दिल्ली से आदेश के तहत विक्रम बत्रा को मेजर योगेश कुमार जोशी के नेतृत्व में द्रास के पर्वतों पर भेज दिया गया। द्रास का पर्वत हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा व दुनिया का सर्वाधिक बर्फीला पर्वत था। इस पर्वत के अगले पार हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी भारत की सरहदों को छलनी कर रहे थे। साथ ही घाटी के कुछ गद्दार अपने ही सैनिकों पर पत्थर बरसा रहे थे। कुल मिलाकर भारतीय सेना के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त था। चारों तरफ मौत थी, परंतु मौत को मात देने की ताकत भारत के वीरों में थी। विक्रम बत्रा का विजय घोष था, दुर्गा माता की जय, और अगली चोटी पर चढ़ाई करने से पहले उनको दिल मांगे मोर युद्ध घोष देना था। उनका कोड नेम शेर शाह रखा गया। 6 जून की रात को ही मेजर जोशी ने अपने योद्धाओं को कश्मीर के अलग अलग इलाकों में उतार दिया। घोर रात्रि में लेफ्टिनेंट बत्रा अपनी बटालियन के साथ द्रास के पर्वतों से आगे की ओर बढ़े। उन्होंने पॉइंट 5140 पर्वत पर चढ़ाई करना आरंभ किया। ऊपर से पाकिस्तानी सेना गोलियां बरसा रही थी, नीचे हजारों फीट गहरी खाई और चट्टानों पर भारी फिसलन, पर फिर भी वीरों ने पॉइंट 5140 पर अपनी दस्तक दे दी। लेफ्टिनेंट बत्रा ने इस इलाके में हाथ बम बरसाने शुरू किए, साथ ही 8 दुश्मनों को मार गिराया। जवाब में पाकिस्तान की तरफ से उन पर पत्थर बरसाए गए, जिससे वे घायल हो गए। रात की 3:54 पर वीरों ने पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहरा दिया। सुबह 4:35 पर विक्रम बत्रा ने अपने अधिकारी को फोन कर बताया कि सर, हमारे योद्धाओं ने कहर मचा दिया है, हमारा एक भी वीर शहीद नहीं हुआ है, बल्कि हमने चोटी पर तिरंगा फहरा दिया है सर, ये दिल मांगे मोर। मेजर जोशी ने खुश होते हुए पहली बार लेफ्टिनेंट बत्रा को कैप्टन कहते हुए कहा, कैप्टन साहब आगे बढ़िए, ये दिल मांगे मोर। तुरंत ही सुबह 5 सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने उन्हें फोन करके उन्हें कैप्टन के पद पर पदोन्नत कर दिया। सुबह 5:45 पर कैप्टन बत्रा अपने वीरों के साथ 16,000 फीट ऊंची मुश्कोह घाटी की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने तेज बुखार और थकान होने के बावजूद पहली चढ़ाई को आरंभ किया। 7 जुलाई की दोपहर में कैप्टन बत्रा पॉइंट 4875 पर पहुंचे। उनसे कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान के सैनिक तैनात थे। इस पूरे दिन और रात तक पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कैप्टन बत्रा को काफिर कहते हुए उनकी धार्मिक आस्था और देवताओं को भला बुरा कहा गया। कैप्टन बत्रा को अत्यधिक गुस्सा आया और उन्होंने हैंड ग्रेनेड के साथ लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कैप्टन बत्रा ने अपनी बटालियन को पीछे छोड़ अकेले ही आगे बढ़ पाकिस्तानी बंकरों में बम बरसाने शुरू कर दिए और इतने आगे बढ़ गए कि पाकिस्तानी सैनिकों से हाथापाई पर उतर आए। उनको दुश्मन सैनिकों द्वारा पीछे से पकड़ लिया गया, परंतु उन्होंने अकेले 3 दुश्मनों को मार गिराया। दुश्मनों को हिंद का सेनापति देखते ही उन्होंने लगातार कैप्टन विक्रम बत्रा को निशाना बनाकर गोलियां चलाई। अपने सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में दुश्मन की एक गोली जा लगी, जिससे कैप्टन विक्रम बत्रा अपने घायल सिपाहियों की बगल में जा गिरे और वहीं पर दम तोड़ दिया। उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे, दुर्गा माता की जय। कैप्टन की शहादत के बाद उन्हीं की बटालियन ने प्रतिशोध में मां दुर्गे की ललकार देते हुए दुश्मन सेना के परखच्चे उड़ा दिए और पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहराकर ही दम लिया। अंततः हिंद की सेना ने कारगिल युद्ध विजय किया। समस्त चोटियों पर तिरंगा पूरी शान से लहरा दिया गया। कैप्टन साहब की शहादत के बाद उनके नाम को परम वीर चक्र से नवाजा गया। परम वीर कैप्टन विक्रम बत्रा ने शादी नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपनी प्रेमिका की मनसा देवी मंदिर में मांग भरी। इसी प्रेम की आस में उनकी प्रेमिका ने आज तक शादी नहीं की, उनको आज भी अपने विक्रम का इंतजार है। दोस्तों, उम्मीद है कि मां भारती का हर देशभक्त इस वीडियो को लाइक करेगा। कमेंट में जय मां दुर्गा,
जय परम वीर विक्रम बत्रा जरूर लिखें। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।